खबर 9 न्यूज को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन को दबाकर हमारी न्यूज सबसे पहले प्राप्त करें। नमस्कार, स्वागत है आपका खबर 9 में। मैं अक्षय तिवारी आपका तहे दिल से एक बार स्वागत करता हूँ। रतलाम के जावरा में शमशान से अस्थियां चोरी का अजीबोगरीब मामला सामने आया है। यहां के मालीपुरा मुक्ति धाम से महिला के अंतिम संस्कार के बाद उसकी अस्थियां और राग गायब हो गई, जिस पर परिजन आक्रोशित हो गए। मृतक महिला का नाम भरकी भाई माली है, जिनका 2 दिन पहले उनके परिजनों ने अंतिम संस्कार किया था। लेकिन आज जब परिवार के लोग मुक्ति धाम में अस्थियां संचय करने पहुंचे, तो मौके पर कुछ भी नहीं मिला, जिसके बाद परिजन आक्रोशित हो गए और शमशान में ही विवाद के हालत बन गए। परिजनों ने रिश्तेदारों पर ही लगाए अस्थियां और राख चोरी करने के आरोप। वहीं जावरा सिटी थाना पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। ये मेरी माता जी थी, मेरे सेकंड माता जी थी, मतलब मेरे फादर की दो वाइफ थी। तो ये छोटी वाली मम्मी थी, छोटे से बड़ा पालन पोषण नहीं किया। कुछ कारण परिवार के विवाद के खातिर हमारे अलग अलग हो गए थे। तो करीब करीब 15 साल से नागूलाल और कृष्णा भाई के यहाँ रह रही थी। इन्होंने करीब करीब 20 से 25 लाख की प्रॉपर्टी भी सभी इन्होंने खा पी के बेच बचा दी, जिसके बाद में इन्होंने वापस हमारे समझौता करा, चलो अपनी माँ इसके हिसाब से मैं 3 महीने के लिए वहाँ ले गया था इसको। इन्होंने फिर वहाँ पे आके पुलिस के द्वारा ला के हमारे वहाँ झगड़ा भी किया। झगड़ा करने के बाद में माँ को फिर सिखाई इन्होंने, सिखा के बाद में फिर इन्होंने थाने में रिपोर्ट लिख गई कि तुम ऐसी रिपोर्ट लिखना तेरी माँ के उनके खिलाफ, कि मेरे को रात भर मारी मेरे को और मेरे को 5 लाख रुपये मांगे। जिसके बाद में अपने उद्योगी थाने में रिपोर्ट करनी, वहाँ से पुलिस के जवान आए। उन्होंने फिर माँ साहब से पूछा कि माँ साहब आप कहाँ रहना चाहती हो, तो कि मैं तुम्हें लड़की के वहाँ रहना चाहती हूँ। तो वहाँ से मेरे बड़े बहनों जी हीरालाल जी, जिनका इंतकाल हो गया, वो हाँ कृष्णा वो इंतकाल हो गया, उन्होंने एक पुलिस 7 जवान भेज के इनके घर भेजी कि उनके पास जा। इन्होंने दरवाजा लगा दिया। फिर उससे मेरी माँ साहब से पूछा कि आप तू किसके वहाँ रहना चाह रही, तो मेरी छोटी वाली लड़की हेमा को वहाँ छोड़ दो। नागूलाल जी दरवाजा लगा दिया। हाँ हाँ, राग गायब है तो हमें भी शंका ही नहीं की। नागूलाल जी कृष्णा भाई ये अब कुछ भी करो, लेकिन मेरे को 99% शंका नहीं, दोनों पार्टी की विवाद करवाने इसलिए इनकी शंका है। हाँ, हमें भी इनकी शंका है। हमारी दुआ एक आवेदन दिया गया है कि हमारे पिता जो माता जी का स्वर्गवास हो गया था, इसको दाह संस्कार शमशान घर में किया गया था। उसके बाद इनका 2 बहनें अन्य हैं और तीसरे ये मैं आपस में थोड़ा सा उनके रहने को लेकर विवाद था, तो इनमें अभी राख वहाँ नहीं मिलने की एक शिकायती आरोप दिया है, इसकी जाँच की जा रही है। सर, चूँकि ये पहला मामला है और एक महिला जिससे मीडिया ने बात की, तो उसका ऐसा आरोप है कि कोई उसी की बहन के द्वारा चेहरा नहीं दिखाने की बात को लेकर वहां से कुछ अस्थियां गई हैं, ऐसा प्रार्थी ने आरोप लगाया है, इसकी जांच कर पुष्टि की। रतलाम से नारायण चौधरी की रिपोर्ट। तो ये थी आज की खबरें, बने रहिए हमारे साथ खबर 9।